गुर हर कृष्ण मना बहोरी एक बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बेसाला साजी पुन पुन सीसा दो बार बार जगदीसा कंकार सतगुरु ते प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए दोहरा श्री गुजरी के संग मिल छोदत सिंह समुदाय कर मसलत आवत पाए जै बैठे गुर राए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मान योग सत संगी जनो जितनिया भी सब संगता धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी दे चरण छो प्रापत गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे पिछले पैर दे दीवान सज रहे हैं। दीवाना दे अंदर गुरु घर दे कीर्तनी जत्थे दे पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। गुर इतिहास दी कथा प्रारंभ हो रही है। पावन इतिहास साहिब कमाल मर्द अगमड़े शाहे शहनशाह जिन्हां दी बाबत भाई नंद लाल जी दे पावन सोहने शब्द ने ना सुरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक आंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद एक शेर भाई नंद लाल ने बाकमाल लिखिया। वैसे तो उन्हां दियां रचना सारिया ही बाकमाल ने। मेरे प्रीतम जी दी उस्तत लिखी उन्होंने सारी रचना दे विच। जेड़ा उन्होंने ये शेर लिखिया अपनी गजलां दे अंदर कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकशारा यार गुरु गोबिंद सिंह कते जोगी अल्लाह यार खाने साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी उस्तत करद्या होया अपनी कलम चक्की साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी महिमा लिखण लग पिया। मुसलमान फकीर
ऐ सतगुरु गोबिंद तू वो अबर कर्म है, ऐ सतगुरु गोबिंद तू वो अबर हमम है, शानी नाही तेरा ना दारा है ना जम है, खाता तेरे चरणों की फिरिदू पी कसम। जे लाला दौलत राय ने कलम चक्की ओ लिखन लग गया, ना कहो अब की ना कहो तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह ता सुनत होती सब। जे भाई संतोख सिंह होना ने कलम चक्की ते उन्हें मेरे प्रीतम दे परथाए एहो जी भरपूर शलांगा कीती, शाए जाती एकता अनेकता बलाए जाती, होवती कुचील ता कतेबन करान की, पाप पर पक जाते धर्म तसक जाते वर्ण, गरक जाते सहत बधान की, देवी देव देहोरी संतोख सिंगा दूर होती, रीत मिट जाती कथा बेदन परान की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सुर मूर्त न होती, जोपै करना निदान की। विद्वाना ने भावे ओ मुसलमान राइटर होवे जां कोई ओ सनातनिया होवे, भावे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दी लिखत रचना नूं लिखण वाला भाई संतोख सिंह जी होवे, सारिया ने बड़ी कमाल दियां जिहड़ियां महिमां ने ओ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दियां रचनावां लिखियां, उन्हां दी प्रथाई जिहड़ी है ओह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दी उस्तति लिखदे रहे। ते साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी मर्द अगमड़े सतगुरु जी उन्हां दियां जिहड़ियां रचनावां दे विचों इक रचना भाई साहब भाई संतोख सिंह जी उन्होंने लिखी है, जिस ग्रंथ का नाम है गुर प्रताप सूरज ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी श्री आनंदपुर साहब अपने जीवन करके 30 साल रहे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी इंडा लंबा अरसा सतगुरु पातशाह जी दे जिथे महल है, जिथे साहबजादे खेडदे रहे, सतगुरु जी दे महल रहे, जिथे अज किला फतेहगढ़ साहब बनिया है, आप जी ने दर्शन कीते ने श्री आनंदपुर साहब जी दे। सतगुरु पातशाह महाराज जी दे ओ अस्थान अज सारा आनंदपुर साहब ही पावन है, जिथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपनी जिंदगी दे 3 दहाके लगभग बतीत कीते ने। सतगुरु पातशाह महाराज जदों श्री आनंदपुर साहब जी नूं छड्डण दी तैयारी कीती, मेरे गुरदेव किला आनंदगढ़ साहब आके विराजमान हो गए। मेरे हजूर जी ने जिहड़े 5 किले बनवाए गुरमुखो, जिन्हां विचों एक किला तारागढ़ साहब है, जदों श्री आनंदपुर साहब दे असीं दर्शन करदे हां ते बिलकुल ही चढ़दे पासे नूं असीं जाइए 2.5 कोह दी दूरी ते तारागढ़ साहब किला है। इतिहासकार लिखदे ने उत्थे 500 ब्रह्म ज्ञानी महापुरख के समय उत्थे रहा करते सन, एहो जे साधु जिथे महाराज पातशाह जी ने तारागढ़ किला बनाउण दा कारण की, जिहड़े पहाड़िए राजे सन केसरी चंद वर्गे दुनी चंद वर्गे, वो जिन्ने भी पहाड़िए राजे सन ओह हमलावर बन के आउण ते साडा इथों चंगी तरह जिहड़ा खालसा है ओ पहाड़ी राजां दा मुकाबला कर सके, उथों दी जिहड़ी सूह है सानू चंगी तरह दे सके। सतगुरु जी दा लोहगढ़ दा किला जिथे मेरे कलगियां वाले दे शस्त्र बस्त्र तैयार हुंदे सन, फौजां नूं सनबद्ध करन वास्ते
सतगुरु पातशाह जी का किला आनंदगढ़ साहब जिहड़ा महाराज पातशाह जी छड्डण दी तैयारी दे विच हन। आओ खालसा जी, सतगुरु पातशाह जी दे कोले सिख आ के जगत माता गुजरी जी दे नाल कुछ जिहड़ा सलाह है, मशवरा है, वह सारा भाई संतोख सिंह जी आप जी नूं दस रहे हन। आपां तां उहनां दीआं जिहड़ीआं लिखतां ने बजुर्गां दीआं, जिहड़ा साडे ते महान परउपकार करके गए ने, सानू एक खजाना दे के गए ने, साडे बजुर्ग राज कवि भाई संतोख सिंह जी, उहनां दीआं लिखतां दे आपां तां अर्थ ही कर सकदे आ, पर जिहड़ा उहनां ने दृष्टि दे नाल, उहनां ने अनभवी ग्यान दे नाल इह ग्रंथ तैयार कीता, कोई है दुनिया दा एडा वड्डा लिखारी, एडा वड्डा कवि? अज तां समें दी गल है, थोड़े जे अपग्रेड थोड़े जे ज्यादा हो गए लोग, वो अपग्रेडा करके अज तां हरेक चीज ते किंतु करना तां बड़ा सौखा है, किंतु तां किहदे ते मर्जी कर देवे, भरोसा रखना बड़ा औखा है, विश्वास रखना बड़ा औखा है, खंडन तां जदों मर्जी कर दिओ, खंडन करना कोई औखी गल थोड़ो आ, खंडन तां जे बेटा कहे मैं तैनूं प्यो नहीं मणदा आपदा, बेटे दा कर भी की सकदा है, प्यो कहंदा भरावा तेरी मर्जी ना मन, खंडन तां लोक अपने पिता ते भी कर दिंदे आ, पर मंडन करना बड़ा औखा, विश्वास रखना मनना बड़ा औखा है। गल सिखी आ गुरमुख भरोसे दी, भाई साहब भाई गुरदास जी दे बचन असी पढ़दे आ, भाई साहब जी कहिंदे जदों भरोसा टिक गया ते सिखी है, जे भरोसा नहीं हैगा ते फिर सिखी भी नहीं गी, भरोसा रख्या ते आरे नाल चीरे गए, भरोसा रख्या ते बंद बंद कटाए गए, भरोसा रख्या कलगी धर पातशाह महाराज जी दे सिंघां ने, ते 40 सिंघ शहीद हो गए चमकौर दी गड़ी दे विच, इहो जे प्यारे जान तों जिहड़े सामने अपने अखां दे सामने अपने पुत्तरां नूं शहीद करवा दिंदा गुरु, जान तों प्यारे अपने खालसे नूं शहीद करवा दिंदा, उस गुरु साहिब कमाल सतगुरु पातशाह जी दा इतिहास प्रारंभ हो रहा है। आओ मन दी एकाग्रता बनाओ, जितना भी अपने कोले समां है, आपां सारे एकाग्रता दे नाल इह पावन इतिहास नूं सरवण करिए जी। गज क्या खो सतनाम श्री वाहे वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा श्री गुजरी के संग मिल, चोदत सिंह समुदाय। सारे संग भुखे हन खालसा जीओ, माता जी धन धन माता गुजरी दे नाल मिल करके जी, कर मसलत आवत पाए, जै बैठे गुर राए। माता गुजरी जी दे नाल मसलत कर ली, सलाह कर ली, माता जी 9 महीने लगभग हो चुके ने श्री आनंदपुर साहिब जी नूं घेरा पा के, पहाड़िए राजे मुगल राजे जिन्ने सूबेदार सन सारयां ने भुखे प्यासे ने संगत त्रेह दे नाल विलक रहे ने, एडा वड्डा अरसा सारयां दे नाल माता जी दे नाल सलाह करके, जिथे मेरे शाहे शहनशाह प्रीतम मरदा गमड़े सतगुरु जी बैठे सन, हुण माता गुजरी जी नूं नाल लै लिया, नाल लै के मेरे कलगीधर प्रीतम जी दे कोले सारा खालसा सिंह आके पहुंच गए जी। चौपाई पूरब सिखन बिने बखानी। हां जी, पूरब कहंदे पहला जेड़े सिखा ने आके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे कोले जेड़ी बिना बेनती सी बखानी कहना कीती जी, सतगुर की जे कृपा महानी। ऐ सतगुरु पातशाह जी, साडे उत्ते तुसी जेड़ी महान महान कृपा करो जी, अपने जान प्राण दियो दाना। महाराज जिहड़े साडे प्राण ने उहनां दा कृपा करके दान देना करो, मतो जंग को करिए हाना। महाराज जी, ये जिहड़ी जंग है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਹਾਨ ਕਰੋ ਨਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਦਾਇਆ ਬੋਰ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਪੇਚ ਹੈ ਦਾ ਪੇਚ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਰੇ ਸਮਾਜ ਬਟੋਰ ਬਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗਾ ਪਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਚਲੋ ਮਵਾਸੀ ਮਹਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤੁਰਕ ਦਲ ਜਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਟਿੱਡੇ ਦਲ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਜੀ ਕਿਹਾਂ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਨਿਬਰਿਓ ਸਰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅੰਨ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰਚੇ ਦਰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਮ ਕਰ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੀਤਿਓ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਮਚਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਮਚਾਵੇਗਾ ਜੀ ਨਿਕਸੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਲਿਆਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਭਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕੁਛ ਬਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਕਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਨ ਕੋ ਲੜੇ ਖਾਕ ਹਮ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦਿਓ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਖੇਦ ਬੋ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬੇ ਵਿਦਾਵਾ ਨਾ ਲਿਖਾਵੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਖਾਰਜ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਵੋ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦਾਵਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ ਛੋਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਵਿਆਕਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਾਵਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਵਣ ਹੇਤ ਚਾਹੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਓ ਨਰ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹੇਤ ਸਰਬ ਪਰ ਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣ ਪੰਥ ਕੇ ਬਨੋ ਸਹਾਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਲਿਓ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਸੁਣ ਕਰ ਦੀਨ ਬੈਨ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੀ ਧੀਰਜ ਤਰੋ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਨ ਡੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੁਖੋਂ ਕੋ ਚਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੋ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ
खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरे पिंड प्राण। महाराज कहते मेरे शरीर के प्राण है खालसा। तो खालसा जी महाराज पातशाह जी ने इथों तक शब्द कह देने, मेरी जान की जान जिहड़े मेरे शरीर विच सवास है जान है, यह भी मेरी खालसा दी रूप ही है, दूसरा रूप ही है। कहिंदे सतगुरु पातशाह महाराज जी बोले, महाराज जी कहिंदे असीं तुहाडे सुख नूं क्यों नहीं चाहुंदे, असीं तुहाडे सुख वास्ते ही हां। नै जानो ए छली महा है। महाराज जी कहिंदे सिखो तुसीं नहीं जानदे ए तर्क जिहड़े आ ना, ये जिन्ने पहाड़िए राजे है बड़े बड़े छलिए ने, छल करन वाले ने, फरेब करन वाले, धोखा करन वाले हन। गुजरे बुरा तुम्हारे सिर पर। मेरे प्रीतम जी कहिंदे सिखो तुहाडे सिर पर बहुत भयानक समा गुजर रहा है, जिहड़े तुसीं गुरु दे नाल सवाल जवाब कर रहे हो। जिहड़ा तुसीं गुरु दे नाल सवाल जवाब करदे हो ना, ए समा बड़ा गुजर रहा, भैड़ा समा गुजर रहा है। क्यो बचावन तिस ते हित तर। महाराज जी कहिंदे तुहानू इस बुरे समय तो मैं बचाउणा चाहुणा प्रेम धार के। कितक काल इम और बितावो। मेरे हजूर जी कहिंदे सिखो कुछ क समा आनंदपुर साहब किले विच समा जेड़ा बतावो बतीत करो जी। पुन मन भावत भोजन खावो। फिर जेड़े तुहानू मन पौंदे जेड़े भोजन है, महाराज पातशाह जी कहिंदे प्राप्त होणगे ते तुसी रज रज के खावो जे। हां जी बासुर बीस के बसो उन्नीस। महाराज जी कहिंदे खालसा जी तुसी वी दिन रहो इत्थे, बस वी दिन साडा वचन मन लो। जदों नीवियां पालियां ना सिखां ने, महाराज जी कहिंदे भले उन्नी दिन ही रह पो, जे वी दिन नहीं ते उन्नी दिन ही टिक जावो जी। कह अठार सिमरो जगदीश। कह लगे जदों सिखां वालों फिर भी कोई जवाब जवाब नहीं आया तो महाराज पातशाह जी कहिंदे अठारह दिन ही टिक जो भलियो। किदों सपत दस खोड़स रहो। महाराज पातशाह जी कहिंदे जे अठारह नहीं ते सपत सतारा दिन ही, महाराज पातशाह जी कहिंदे टिक जो ते फिर भी नीवियां। महाराज कहिंदे दस खोड़स दा अर्थ हुंदा 15 दिन। महाराज जी कहिंदे भले 15 दिन ही टिक जो, जे तुसीं 17 नहीं टिकना तां। कै दस पंच थेरो सुख लहो। महाराज जी कहिंदे गल मुकदी है सिखो, कहिंदे 10 दिन तुसीं भोजन धीरज रख के टिक जाओ। सिखां ने फिर भी कोई जवाब ना दिता। मेरे कलगीधर पातशाह जी कहिंदे सिखो 5 दिन रुक जाओ, जिथों दुनिया चढ़दी है ते दुनिया छिपदी उथों तक खालसे दा राज हो जावेगा जी। महाराज कहिंदे 5 दिन टिक जो, तीरज रख लवो। ते कहिंदे सिखां ने फिर भी अपनियां नीवियां पा लईयां जी। इतने दिन मैं दोनों लोक सतनाम। महाराज जी कहिंदे इन्ने दिनां दे विच मैं लोक ते परलोक विच खालसे दा राज कर दूंगा जी। पर मेरे हजूर जी कहिंदे तुहाडे सिर पर सिखो बुरा वक्त चल रहा है, ये राज होना नहीं। ताइयों तां खालसा जी पहाड़ा सिंह सी यार फरंगियां दा, सिंघां नाल सी उसकी गैर छाली। साडा सिख राज किते जा सकदा सी जे पहाड़ा सिंह वर्गे ते लाल सिंह वर्गे सिखां दे लिबास दे विच किते इहो जे फरंगी ना हुंदे तां। वेखण तां पहाड़ा सिंह भी सिख सी ना, ते फिर लाल सिंह भी दस्तार सजाउंदा सीगा शेरे पंजाब दे नाल। पर जदों महाराजा खड़ग सिंह नूं उन्हां ने मारिया ते उस समय महाराणी जिंदा करला उठी एक वारी, कहिंदी सी अज तुहाडे दोगले चेहरे पता लग्गिया है, तुसीं सिखां दे लिबास दे विच इह कुछ कर रहे हो, तुहाडे कृपानां भी पाईआं होईआं ने, सब कुछ अज कोई घाट नहीं गल दी। एक बेवकूफ जिहा निक्की निक्की बैठा ना, सिंघां ने गड़ता उस नूं, उह भी सिखां दा लिबास ही है ना। उन्हें इहो जे शब्द मेरे शाहे शैन प्रीतम दी माता गुजरी, वाहिगुरु जी माता सुंदरी जी और खालसा जी भाई मणि सिंह जी दे विरुद्ध बोले, कन्न तुहाडे सुणी नहीं सकदे। आ पटियाले तुहाडे बैठा कसाद जिहा उहदी हमायत ही करन ते तुलिया होया है, हुण इह नहीं समझदा कि माड़ा कि चंगा की है, हुण हरेक टकसाली दींदा है। इस करके खालसा जी इहो जे लिबासां तो बचो, अपग्रेड ना बनो, ज्यादा अपग्रेड नुकसान करदे है। सिक्खी भरोसे दे विच लैणी चाहीदी है, भरोसे दे मुताबिक सिक्खी नूं चलो।
सतगुरु महाराज पातशाह जी कहंदे खालसा पांच दिन ठहर जो, पांच दिन ठहर जूंगे ना ते तुनु इस लोक ते परलोक दा सुख दे देवांगा, राज दे देवांगा जी। करो सुधारन मेटो शोक, महाराज जी कहंदे जेड़ा शोक गम तुहाडा मेट देवांगा ते तुसी अपने आप नु सुधार लेना करो जी। पुन सिख कहे सुनो गुर पूरे, फिर अगो सिख बोले कहंदे पूर्ण सतगुरु पातशाह जी सुनो साडी बेनती, अब तो निकसन बने जरूरे। हुण महाराज पातशाह जी इथों निकलना बड़ा जरूरी होवेगा जी। एक दिवस पी बसियो न जाई, महाराज जी ने पहले कहता भी बुरा वक्त चल रहा है, हुण सिखा ने कहिंदे महाराज तुसी पांच दिनां दी गल कह रहे हो, एक दिन भी इत्थे रहना बड़ा मुश्किल है, एक दिन भी नहीं साडे कोलो रहा जांदा जी। निकसन को चात समुदाई, महाराज हुण तां निकलन वास्ते असी सारे चाहुंदे हां। व्याकुल पाए छुदत त्रितहारा, कहिंदे व्याकुल हो गए हां ते भुख दे नाल त्रित, त्रित कहिंदे ने धीरज नूं, धीरज छुट गया व्याकुलता दे नाल, खत्म हो गया जी। शत्रुन सन लर कियो अखारा, महाराज इन्हां वैरियां दे नाल लड़के असी जंग साडे कोले समर्था नहीं रही। हार परे मूरख चख मार, कहिंदे ने इसे तरह हार गए हां ते जिहड़े मूरख होके चखा मार रहे ने। याते करे सपत उधार, महाराज पातशाह जी इस करके असी एक होर कर सकदे हां भी जेडे पहाड़िए राजे ते मुगल राजे हन ना उन्हां दे पासों असी सौ जेड़ी सपत है ओ खवा सकदे हां। अब निकसन ही तुमको बने, हुण ही जेड़ा इथों निकलना सतगुरु जी आप जी नूं भी चंगा बने आउंदा है। जिस तेरे प्राण के सने, जिहदे नाल सतगुरु पातशाह जी प्राण साडे रह सकणगे जी। पुन गुर कयो पंच दश दियो सा, महाराज पातशाह जी कहन लगे पंज ते दस पंद्रह दिन सतगुरु पातशाह महाराज जी कहन लगे जी। जे न रहते धार भरोसा, खालसा जी तुसी पंद्रह दिन जां पंज जां दस दिन रह के भरोसा धार के नहीं रह सकदे तां जी। चौदह तेरह द्वादश रहो, महाराज जी कहंदे चौदह दिन तेरह दिन ते बारह दिन रहना करो। पुन मन पावत सुख सब लो, महाराज जी मन दे मन पौंदा तुहानू सुख प्राप्त हो जावेगा जी। एकादश दश नौ अष्ट बसी जय, एकादश ग्यारह, महाराज पातशाह जी कहंदे ग्यारह दिन दस दिन नौ दिन कहंदे अठ दिन ही इत्थे बसना करो जी। रिप हट जाए यहां सुख लीजै, कलगी धर पातशाह जी कहंदे अठ दिनां दे विच भी वैरी दल हट जावेगा ते इत्थे तुहानू सुख प्राप्त हो जावेगा जी। जे और कई करो प्यारे, ए मेरे प्यारे सिखो जे करके तुसी ओड़क निभना चाहुंदे हो, ओड़क तक प्रीति पाउणा चाहुंदे हो। सपत दिवस लियो धीरज तारे, कहिंदे सत दिन ही तुसी धीरज रख के टिक जावो जी। अब निकस होए गजब गुजारन, महाराज जी कहिंदे हुण जे तुसी निकलना चाहुंदे हो ते बड़ा भैड़ा समा है। बचो नहीं होए सबन संघारन, महाराज जी कहिंदे तुसी बच नहीं सकोगे ते ए जिहड़ा टिड्डी दल है सारिआं नूं खत्म कर देवेगा जी। जिम बालक पिख रूप अगन को, महाराज जी कहिंदे ने जिवें एक बालक बच्चा हुंदा है ना ओ अग दे रूप नूं अग बलदी होवे ते अग दे रूप नूं वेख के अग नूं फड़न वास्ते जांदा है। बरन चाहे ने लखै जरन को, अग दे रंग नूं पकड़न वास्ते जांदा है ते किते ओ जिहड़ा मैं ओहदे विच किते ओहदा माता पिता सोचदा वी किते अग दे विच बच्चा खड़ी ना जावे जी। मात पिता संभारन करें, कहण लगे जिहड़े माता पिता हुंदे ने ते बालक नूं संभालदे हन जी। बरजत पकड़े बीच न परे, बच्चे नूं पकड़दे ने भी किते अग दे विच ना बच्चा पै जावे। महाराज पातशाह जी कहन लगे तुसी साडे बच्चे हो, आ जेड़ा तुरकां दा दल है एक अग है लाट है, महाराज जी कहंदे तुसी एदे विच पैणा चाहुंदे हो ते असी तुहानूं वरजदे आ।
रुक जो सत दिन वास्ते महाराज पातशाह जी कहन लगे जी क्यों हम तुम को बहु बरजंते। महाराज कलगी धर जी कहिंदे तिवें तुहानू असीं बहुत बरजंते बरज रहे हां जी। बुरा होत सिर नहीं लखंते। महाराज जी कहिंदे बुरा हो रहा तुहाडे सिर ते पर तुसीं नहीं सिखो जान दी जी। सुन सिख कहे बुरा अब नाई। हुण कहिण लगे महाराज जी दा पहला बचन सी ना तुसीं सुनिया है। महाराज जी कहिंदे बुरा वक्त चल रहा है। हुण कहिण लगे जदों बुरा वक्त चलदा होवे ते उस समय कहन लगे जेडे सिख महाराज पातशाह जी बुरा हुण साडा नहीं हो रहा जी। लखियत बुरा दुर्ग के माई। महाराज इस किले दे विच असी जानदे आ कि साडा बुरा समा है जी। अन्न बिना सगरे मर जाए है। महाराज जी भोजन तो बिना असी सारे दे सारे मर जावांगे इस किले विच। कै मिल शत्रु कतल कर दे है। जा फिर जेड़ा शत्रु है दुश्मन है सानू कतल कर देवेगा जी। दोनों में ते एक होए जाए है। इन्दे दोआं दे विच्चों एक गल हो जावेगी जा भुख नाल मर जावांगे ते जा सानू शत्रु कतल कर देवेगा जी। बचे न पुन नो उपाय बने हैं। महाराज जी दे कोले कहिंदे भी महाराज असी बच नहीं सकांगे ते कोई साडे कोले जतन भी बनदा नहीं दिंदा जी। अब तो रहो जाए ने स्वामी। फिर मेरे स्वामी मालक कलगी तर पातशाह जी हुण साडे पासो रिहा नहीं जांदा। लखो खेद अब अंतर जामी। हे अंतर जामी सतगुरु जी हुण एडा जेड़ा दुख है आप जी समझ ना करो। इम बोलत पे सिंह इस तरह जेडे खालसा जी सिंह सन माता गुजरी जी दे नाल आए सीगे ओ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे अगारी अगे होके बोल रहे हन जी। सवाल ते जवाब कर रहे हन। पुन श्री गुजरी आने उचारी। फिर धन धन माता गुजर कौर जी। कहिंदे माता गुजर कौर भी हुण सिखां दी फेवर दे विच है सिखां दे हक दे विच है। माता जी दे कोले सिख जाके कुर लाए। माता जी तुसी कहो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी नू। कहन लगे फिर माता गुजरी जी ने उच्चारण कीते बचन जी। हठ ने गहो पुत्र अब चलिए। हे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी तुसी हठ ना करो तुसी जिद ना करो महाराज पातशाह जी। कृपा करके महाराज पातशाह जी हुण तुसी चलना करो आनंदपुर साहिब नूं छड के। रिपते वैर तुरत ही ठिलिए। महाराज ए जिहड़ा वैरियां दा वैर है दल है ते इस नूं ठलना करो जी। निज कुटुंब को लियो बचाए। अपना जिहड़ा कुटुंब है परिवार है खालसा सारा परिवार ही है ना महाराज पातशाह जी दा ए सारा परिवार अपना कुटुंब परिवार है इस नूं बचा लेना करो। पई बात ओरख की आए। महाराज पातशाह जी दे ताई धन माता गुजर कौर जी कहन लगे हुण ओरख जिहड़ी गल है आ पहुंची है। जिम तुमरे उर होए विश्वासा। हे मेरे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिवें तुहानू विश्वास आ जावे भरोसा आ जावे। तथा शपथ करवाओ अनाशा। पहाड़ी राजयां दे पासों ते मैं मुगलां दे पासों सबत जिहड़ी कसम है सौं है ओ चुकवा लवां। मैं कह दियो निरपत ते बिपर। ए मैं कह देवां जिहड़े राजे जिहड़े ब्राह्मण राजे हन। आए आन तेन की छिपर। ते ओ गऊ आटे दी बना करके ते आके कसमां चक लैण ते आ करके ओ आटे दी गां बना के ब्राह्मण जेड़े है बिपर लोक है कसमां चक लैण गां दियां। इस करके फिर तुसी आनंदपुर साहिब छड़ देवो भी ओ हमला नहीं करनगे। पर जेड़ियां कसमां खादियां होईयां ब्राह्मणां दियां ए पहाड़ी राजयां दियां सब कुछ खादियां तां सत्यानाश खे कर दित्तियां इन्हां ब्राह्मणां ने। सारे नहीं मैं कह रहा किते इन्हां गल होवे भी सारे ब्राह्मण एक ने। सारे नहीं सारे मुसलमान भी एक नहीं है गे सारे ब्राह्मण भी एक नहीं है गे। पर गुरमुखो ख्याल करो जे इन्हां ब्राह्मणां दे पासों इन्हां पहाड़ी राजयां दे पासों मैं गऊ दियां
आटे दी गां बना करके कसमां चकवा दिया जी। शाह दिशा ते सैयद आवे, इस करके बादशाह औरंगजेब दे वलों एक सैयद आवे चल के, सिर पर अहद कुरान उठावे, सिर दे उपर एक वड्डी जिहड़ी कुरान है, कुरान शरीफ है, मुसलमाना दा धार्मिक ग्रंथ है, ओ उठा लैण जी। इतो तरम ठानत है बाहर, कहंदे ने ए जेड़ा सारा ठा धर्म है ते ए जितना भी बाहरों दिस रहा है, कहा बिना शेंगे कर जाहर, ते फिर ए किवें विनाश करनगे, सब कुछ जा रही है गल जी। ए तां अब तो बने बात मन पाई, कहंदे हुण तां जेड़ी गल है ए बन जानी चाहीदी है हे भाई, पुन अवसर अस हाथ न आई, हे सतगुरु जी एहो जिहा जेड़ा अवसर मौका है हाथ विच दोबारा नहीं आउंदा जी। प्रबल शत्रु पुन चढ़ गड बरे, कहंदे जेड़े शत्रु बड़े प्रबल ने ते कहन लगे ओ जेड़े शत्रु ने ते ओ चढ़ के वाहेगुरु किलिया दे उपर आ सकते हैं। कहो कौन तब बर्जन करे, कौन एडे वड्डे शत्रुआ नू फिर कोई बर्जन रोक सकता है। बहुत बिस्तरी बेबस होए, बहुत जितने भी सारे दे सारे ओ सारे दे सारे बेबस होए पए हन। एक छिन में मर है सब कोए, छिन दे विच ही सारे दे सारे मर जानगे जी। जे त्रीमत निज हतें कटार, जितनिया भी इस परिवार दियां जां खालसे दियां इस्त्रियां ने उन्हां दियां सिंघनियां ने वो अपने आप नू कटारा मार के सतगुरु जी मर जानगिया जी, सारे दियां सारियां जी। मर मर जाए उधर को फार, अपने पेट नू फाड़ फाड़ के खंजरां दे नाल ते अपने आप नू खत्म हो जानगिया जी। ऐसो गजब करे हो के मचाओ, महाराज एहो जे जेड़ा गजब है तुसी क्यों करना चाहुंदे हो। नर त्रिय मरे आप क्या लहो, महाराज अनेकां ही स्त्रियां खत्म हो जानगिया ते आप जी नु कुछ भी नहीं मिलना जी। सुन माता को पुन समझायो, माता जी दे बचन सुन के धन धन माता गुजर कौर जी दे धन सब कमाल सतगुरु पातशाह महाराज जी ने समझाया माता जी नु। भेद न दुष्टन को तुम पायो, ए माता जी ए जेड़े दुष्ट ने ना पहाड़िए राजे ते मुगल हन ते इन्हां दा भेद तुसी नहीं जानदे जी। प्रथम दिखाए न पई प्रतीत, माता जी जेड़ा पहला दिखा रहे है ना सब कुछ ते एदे ते भरोसा ना करो प्रतीत ना करो जी। तिन पर तरो भरोसा चीत, इन्हां दे उपर चित दे विच थोड़ा जिन्ना भी तुसी भरोसा ना करना करो, क्योंकि मेरे शाह शहनशाह प्रीतम नूं तां सब कुछ जी पता सी ना भी अगे की भाणा वर्तना है। जब दूर से दरिया से किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आ रहे, हालात तां ए बन जाने आ। जब दूर से दरिया से किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, जे देख के सतगुरु के दुलारे नजर आए, कहते थे अजाजत नहीं हमें रन की मट्टी टक उड़ा सकते हैं दुश्मन की चमन की। जड़ा सरसा नदी दे विच एडी वड्डी अनहोनी वर्ती वो सतगुरु पातशाह महाराज जी नूं दिस रही सीगी। महाराज पातशाह जी तां जागत माता माता गुजर कौर जी दे ताई कह रहे सन, माता जी ए जिन्ने पहाड़िए राजे ने ते मुगल है इन्हां ते प्रतीत ना करो, इन्हां ते भरोसा ना करो जी। जिस कुटुंब को चहे बचायो, महाराज पातशाह जी कहन लगे माता जी कहंदे जिस सारा परिवार नूं असीं बचाउणा चाहुंदे हां, किम शत्रु छोरे मिल जायो, कहंदे जदों शत्रुआं नूं सारा परिवार मिल जाएगा ओ नहीं छड्डणगे जी। बुरी होण सो भली परेखी, कहंदे बुरी होण वाली है ते इस नूं चंगी तरह तुसी समझ लवो जी। जिम होए भली बुरी सो देखी, जिमें भली हो रही है ते तुसी उस नूं बुरी करके देख रहे हो जी। तुम जानो जिन जिन जन जाना, जी कहंदे भी गल मुकदी है भी जिन्ना जिन्ना ने जाना ना ओ जा सकदे आ, भी साडे लोक खुली छुट्टी है। महाराज पातशाह जी सीधे लफ्जां च कह दिता जी, लिखो बिदावा करो पियाना, जी कहंदे बिदावा लिख के सिखो जाओ ते पियाना कर लवो, असी तुहानू रोकांगे नहीं,
जिन्हां ने जाना जाओ पर बदावा लिख के जाओ अज तो तुसी साडे गुरु नी ते असी तुहाडे सिख नी गे। तुसी बदावा लिख के जाओ जी। सब जाने गुर रहे हटाए। अज पातशाह जी कहन लगे सारे जानदे ने सतगुरु पातशाह जी हटा रहे हन। नै बच माने मरे सो जाए। ये सारे जानदे ने वे असी सतगुरु पातशाह जी दा वचन नी मन्या ते ए भी जानदे भी जो सतगुरु जी दे बोल ने ओ सच्चे असी मर जावांगे अपने मन विच विचार कर रहे ने सिख। अस हट के बच सुन कर सारे। एहो जे कलगी धर पातशाह जी दे वीर रस वाले बचन सुन के ना एक दामी कहिंदे सिख जिहड़े ओ नीवियां थले पा गए। ओ फिर कोई ना बोलिया। एहो जे हठ वाले वीर रस वाले बचन सुन के जी बेबल चिंतत खरे दुखारे। बेबल वस हो करके ते चिंता दे वस हो करके दुखी हो करके खड़े हो गए जी। पोत्र जुगम थोरी बैवारे। दोवे सतगुरु पातशाह महाराज जी दे साहबजादे सतगुरु पातशाह जी दे साहबजाद्यां दी जिहड़ी बै उम्र है जे थोड़ी है जी। श्री गुजरी चित को अत प्यारे। धन धन माता गुजर कौर जी दे मन नू बड़े प्यारे लगदे ने। पोतरे माता जीत कौर जी ता काल चलाना कर गए सन ते फिर जितना भी पालना ते पोषना है जगत माता गुजर कौर जी ने ही कीता सीगा पोतरियां दा। धन साहब सतगुरु पातशाह महाराज जी दे दलारे लाडड़े सतगुरु पातशाह जी दे एहो जे पुत्र जिन्हां दी बाबत सब सोहण सिंह सीतल दीआं सत्रां ने उन्हें बड़ा सोहना भावुक होके लिखिया चमकौर दी जंग दा दृश्य। कहिंदा हस शहीदी पा गया है लाल छटेरा। छटेरा कहिंदे छोटे नूं। कहिंदे हस शहीदी पा गया है लाल छटेरा अखां सामने हो गया वह बेरा 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 कहिंदे टुकड़े टुकड़े नूं। कहिंदे अखां सामने हो गया ओ बेरा बेरा सतगुर बोले पातशाह वात भाणा तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लग है। दुनिया दे अंदर एहो जा कोई रबर होवेगा जिहदा पुत्र जंगे मैदान दे अंदर टुकड़े टुकड़े सामने हो जावे ते गुरु अपने पुत्र दी शहादत ते कहिंदे जयकारे छड्डे खुशी मनावे। गुरमुखो एहो जा दुनिया दे उपर रैबर नहीं हो सकता। दुनिया दे उपर जितने भी तुसी मैं सारयां दा सत्कार करदा हजरत मुहम्मद साहब जी होण जा हजरत ईसा जी होण पर जितने भी होए ने सारे धनता दे योग होए ने पर उन्हें क्या ना वो कहंदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे नाल कंपेयर ही जान नहीं किसे रैबर दा कीता जा सकता। बराबर तां नहीं कीती जांदी भी सत्कार योग है सारे। करतार की सगंध है नानक की कसम है जितनी भी गोबिंद की तारीफ वो कम है। एक मुसलमान लखारी कहिंदा है गल जितनी भी गोबिंद की तारीफ वो कम है हर संद मेरे हाथ में पर जोर कलम है। योगी जी कहिंदा जड़ी मेरी हाथ दे विच कलम है ना एक कलम कोई नाटक चेटक लिखण वाली नहीं गी जिहड़ी मेरी हाथ दे विच कलम है यह कोई अखबार दियां खबरां लिखण वाली नहीं गी यह तां हक सच नूं लिखण वाली कलम है। यह तां रहबरां दे जिहड़े अखी दृश देखे हुए ने ओह लिखदी मेरी कलम हक सच नूं। यह कलम दे नाल कोई गलत फैसला नहीं होया गया पर जोर मेरे हाथ में पर जोर कलम है सतगुरु की लिखूं वसब कहां तब रकम है। एडी वड्डी गल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बाबत एक मुसलमान लखारी कहे ते उन्हों साढ़े सत साल मसीत दियां पौड़ियां ती ना चढ़न दिता मुसलमाना ने। वो कहंदे हो जे एडी वड्डी महिमा लिखनी सी हजरत मुहम्मद साहब दी लिख लैंदा हजरत इब्राहिम दी लिख दिता। वो कहंदा करा की जदों मैं हजरत इब्राहिम वल तकदा हां हजरत मुहम्मद साहब वल तकदा हां हजरत ईसा वल तकदा हां। कहंदे जितने मैं कृष्ण जी वल तकिया रामचंद्र जी वल तकिया
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਚਮਕ ਹੈ ਮੇਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਤਾਰੇ ਗਏ ਸਮਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਡਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵੀ ਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਲਈ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵਕ ਬਚਨ ਸੀਗਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਏ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ। ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲੀਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕਟਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੀਏ ਚਮਕ ਹੈ ਮੇਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਤਾਰੇ ਗਏ ਸਮਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਤ ਨਦੀ ਹੈ 40 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਤੌਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੈਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਏਸੀ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਸੀ ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੋ ਚੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ ਗਹੇ ਕਾਣ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੇਵੋ ਦਤਾਰੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਤੇ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਓ ਚਲੋ ਪਿਕਨਿਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ ਪਿਕਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਤ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹਾਜਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੈਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਕੰਬਰ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗਮਨਗੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲ ਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਸਣ ਤੇ ਹਸੈਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹਸਣ ਤੇ ਹਸੈਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਸੀਆ ਸੁੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਵਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੋਂ ਖੇਡਾਂ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਥੋੜੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਵਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਿੰਘੋ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ,
एक बारी तुसी जिथे छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे शहीद होए ने उन्हें करबला शब्द वरत्या तां करके क्योंकि अपने धर्म दा सी ना उन्हें उहदे नाल तुलना कीती है। कहिंदा अपील करता हूं सिंगों के करबला के लिए, मैं दोवें हाथ जोड़ के अपील करदा हां, बेनती करदा एक बारी सिंगां दे करबला ते जरूर जाया करो, उत्थे जरूर जाके नत नमस्तक होया करो। ये शस्त्रां दी गल हुंदी है। सतगुरु पातशाह महाराज जी दे जिहड़े अगे बचन आ रहे हन, आओ मन की एकाग्रता बनाईए, सतगुरु पातशाह महाराज जी के पावन शब्दों के इतिहास के शब्दों नूं पढ़िए जी। करो बचावन पुर निक सै कै, महाराज पातशाह जी कहन लगे असी तुहानू बचावांगे ते तुसी निकल जावोगे जी। भयो कष्ट चित कयो न जाए, महाराज जी कहंदे तुसी कष्ट ना कहो, थोड़ा जा चित दे विच ठहराओ रखो जी। बैठी बार जाए निज थाए, बार जाके कुछ समा तुसी बैठ जावो जी। मिलकर सिंह जाए टिग बैसे, मिल करके जेडे सिंह सी सतगुरु पातशाह महाराज जी दे कोले बैठे हन, एक इम संकट सब को तैसे, एक अद्धा जेड़ा संकट दुख है ओ तिवें प्रकार करके। मात बिलोचन ते जल जावत, माता गुजर कौर जी दे नेत्रां दे विचों जेड़ा जल है ना पानी है, आपदे सिखां दे वल देखिया, जान तो प्यारे पोतरियां दे वल वेखिया, ते मां दा फिर जेड़ा हिरदा ओ बड़ा कोमली हुंदा है। मां जो सी की मां फिर अपने पुत्रां दा दुख नहीं ना सार सकदी सीगी, ते मां दे नेत्रां दे विचों जल वह तुरिया जी। धन धन माता गुजर कौर जी, बार बार पहुंचत दुख पावत, बार बार अपने नेत्रां नूं धन माता गुजर कौर जी कहिंदे पूंजदी है, ते थोड़ा जा हिरदा जेड़ा है ओ दुखी हो रहा है। महल गुरु के दोनों रोदत, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दोने महल, धन धन माता सुंदरी जी और धन धन माता साहब देवा जी। ते तीसरे महल ता माता जी दे सचखंड चले गए सी सतगुरु जी दे महल, माता जीता जी कहिंदे दोने महल सतगुरु जी दे कोले खड़ोते ते ओ भी नेत्रां दे विचों जल वह रहा है। बैठी सास समीप अमोदत, बहुत जेडे रोंदे हुए बैठे ने कोले समीप कोले, महाराज पातशाह जी दे सस भी थोड़े जे उन्हां दा जेड़ा चित है ओ डोल रहा है जी। तिमही व्याकल सिंह बिसाले, जेडे सिंह ने बड़े व्याकल होके सतगुरु जी दे कोले बैठे हन। पिखे मात लोचन जल डाले, कहिंदे सिंघां ने देखिया भी माता जी दे नेत्रां दे विचों जल वह रहा है। कुछ कर सके न बहु बिकलाए, सिंह भी कहिंदे कुछ नहीं कर सकदे, बड़े व्याकल होए हन। निकरन ठीक मतो ठहराए, सतनाम निकलन वास्ते जेड़ी मत है उस दी वरतों कर रहे ने, भी इथो किवें निकलिया जावे। श्री आनंदपुर साहब जी दे किले विचों खालसा जीओ, असी एक गल कह दईए कि 9 महीने जेड़ा वड्डा घेरा पै रहा, ते जे असी कहना बड़ा सौखा है, उस थां ते किते अपने आप नूं रख के देखो, असी 9 दिन भी नहीं सन कढ़ने। इस करके ओ भी खालसा धन सीगा, गुरु कृपा करे, गुरु मेहर करे, सतगुरु पातशाह महाराज जी। कल दी कथा तुहानू ग्यानी जी होनी जो रोज ही सुनाउंदे ने, ओ आप जी नू सरवण करवाउणगे जी। गुरु कृपा करे, सतगुरु पातशाह महाराज मेहर करन जी। जिहड़ा समागम चल रहा है, इस समागम नानक सर कुटिया दा है, उत्थे एक पिछले जनवरी तो लै करके ते खालसा जी जो 5 फरवरी तक चल रहा है, हर रोज ही इस समागम दे विच सिंह साहिबान ते गुरमुखो चंगे गुणी ज्ञानी ते जेड़े रागी जत्थे दे चंगे कीर्तनी गुरु घर दे ओ हाजरियां भर रहे ने, ते अज भी इसे तरह ही 10 दी हाजरी 8 to 9, ते आप जी भी जितना ही समा हो सके नानक सर कुटिया महापुरखां दे वल्लों समागम हर साल करवाए जांदे ने, ते आप जी भी उस समागम दे विच पहुंच करके सतगुरु पातशाह जी दे कीर्तन कथा दे लाहेर करो जी। एक बेनती कह के मैं समाप्ति करां, सारी संगत बैठी रहो जी, कि साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी दा जिहड़ा प्रकाश दिहाड़ा है, ओ पोह सुदी 7वीं सतगुरु पातशाह जी दा अंग्रेजी तरीक 20 तरीक है। अज साडे अंदर बड़ा वड्डा वखरेवा पाया जांदा है,
ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4-5 ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਬਕਰੀਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜੀ 1723 ਸਮਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ 22 ਦਸੰਬਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੁਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਉਹ ਪੋਹ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਹ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਘ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੋਹ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਵੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਸੁਖੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਤ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ, ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਇੱਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈਐ ਪਰੋਇ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ।
ਸਾਹਿਬ।